मंदाकिनी नदी, पानी पानी हुआ चित्रकूट, यहाँ हर ओर दरिया ही नजर आ रही है। चित्रकूट में बारिश की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि चित्रकूट की मंदाकिनी नदी पूरे उफान पर है। मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ के चलते रामघाट की सभी दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से ये दुकानें पानी में डूब गई है। जिसके बाद SDM पूजा यादव ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। साथ ही SDM पूजा यादव ने बाढ़ को देखते हुए पुलिस को ये भी निर्देश जारी किया कि नदी के किनारे रह रहे लोगों को वहां से हटाया जाए और उनकी रहने की व्यवस्था रैन बसेरे में की जाए, साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जाए। बीते कुछ दिनों से काफ़ी ज़ोर से वर्षा हो रही है, जिससे लगातार प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है और हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर नगर पालिका, तहसील, पुलिस और सिंचाई विभाग से लोग मौजूद हैं। व्यवस्था की जा रही है, लगातार जो है अनाउंसमेंट की जा रही है लोगों को कि अपने यहाँ से खाली कर दें और सेफ जगह में शिफ्ट हो जाएँ। और बाकी अगर कुछ होता है तो खोया पाया केंद्र और इंटर कॉलेज में जो है व्यवस्था कर दी गई है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ की वजह से रामघाट की सभी दुकानें इसकी चपेट में आ गई है, जिससे दुकानदारों का सामान भी पानी में डूब गया है। इस बारिश और बाढ़ से दीवार ढह गई है, जिससे दो शख्स घायल हो गए हैं। जिसके बाद घटनास्थल पर तहसीलदार संजय अग्रहरि ने निरीक्षण किया। साथ ही हालात को बेकाबू होते हुए देख महाराजाधिराज मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर के पुजारी ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में ही रहकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। जैसे कि कल सोमवार है, सावन का सोमवार है, तो भक्तों को ये चाहिए कि पानी की बरसते हुए पानी को और बाढ़ की अवस्था देखते हुए घर से ही पूजन करें और शंकर जी मंदिर आने का प्रयास न करें, वो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। क्योंकि पुराने मकान हैं इधर आसपास, अभी अभी एक जो है एक दीवार गिर गई है, जिसमें जो है दो लोग दब गए हैं, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो भक्तों से ये निवेदन है कि पानी का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, इसको देखते हुए कृपया घर से ही पूजा करें कल सोमवार। बता दें कि जिले में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में खतरे की आशंका व्याप्त है। अगर इसी तरह से चित्रकूट की नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो चित्रकूट में रहने वाले लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही राजपट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी।